विद्यार्थियों हम पढ़ रहे थे मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व के बारे में, और उसमें पांचवा टॉपिक हमारा चल रहा था समानता के कारक। और समानता के कारक में ये बता रहे थे कि ये जो अधिकार है ये बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान रूप से जो है वो प्रदान किए गए हैं संविधान के द्वारा। और इसमें आगे भी ये बता दिया गया है कि सभी जो विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग थे उन सबको क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। जैसे आपने पढ़ा होगा राजाओं को प्रीवर्स जो भत्ता दिया जाता था उसको भी जो है श्रीमती इंदिरा सरकार, इंदिरा गांधी सरकार ने जो है उनको हटाने का काम किया, वो विशेष अधिकार के रूप में आता था। कुछ और भी विशेष वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे, तो ऐसे विशेष अधिकारों को जो है वो समाप्त कर दिया गया है। और नागरिकों के मूल अधिकार मानवीय स्वतंत्रता के मानदंड और संरक्षण दोनों है, इस कारण इनका अपना एक अलग मनोवैज्ञानिक महत्व भी है। इस तरीके से ये मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व के बारे में ये पांच जो टॉपिक्स आपको बताए उनके माध्यम से ये पता चलता है इस तरीके से कि मूल अधिकारों की बहुत ही महती आवश्यकता है। और इनकी नेसेसरी यानी ये नेसेसरी नहीं है अपितु इनकी इंपोर्टेंस भी, इनका महत्व है वो भी कम नहीं है, इसलिए संविधान के द्वारा ये नागरिकों को जो है वो प्रदान किए गए। क्या? मूल अधिकार। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि भारत के संविधान में मूल अधिकार, यानी हमारा जो संविधान है उसमें नागरिकों को कितने अधिकार दिए गए हैं। देखिए संविधान की विशेषता वाले चैप्टर में भी आपको बताया कि संविधान के भाग तीन में, संविधान का भाग कौन सा है, भाग तीन में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। आगे भी इसमें बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, जैसे नहीं जो है ये आपको देखने को मिलेगा, 14 से भी मिल जाएगा क्योंकि समानता का अधिकार वो 14 से शुरू होता है, वहां से भी आ जाता है, तो ये और 35 तक लास्ट यहां मूल अधिकारों को जो है वर्णन किया गया है। 36 से फिर नीति निर्देशक शुरू हो जाते हैं, संविधान में इनका उल्लेख किया गया है। अब हमारा जो मूल संविधान था जिस उसमें मैंने बताया आपको उसमें 7 अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब उसको क्यों हटा दिया गया था ये भी मैंने जो है आपको बता दिया था पहले कि भाई इसको इसलिए हटा दिया गया क्योंकि बहुत कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास बहुत अधिक संपत्ति थी और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास संपत्ति थी नहीं, संपत्ति विहीन जमीन जायदाद इस तरीके से जो इनकी मैं बात कर लूं तो उनके पास नहीं थी। जैसे मैंने नक्सली आंदोलन के बारे में भी बताया जो वर्तमान में सक्रिय है, जो अपनी दिशा भटक गया है, ये भी भूमिहीन लोग थे पहले, तो इनके भी शुरू में आवाज ये थी कि हमें भी भूमि मिलनी चाहिए, हम हमारा जो है गुजारा कैसे करें, हम हमारी आजीविका कैसे चलाएं, हमारे पास कोई संसाधन है ही नहीं, हमें जमीन क्यों नहीं है, जब औरों के पास है तो हमारे पास क्यों नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारी ये बातें हुई, तो वो मैंने बताया कि बहुत सारे जो कुछ लोगों के पास बहुत सारी संपत्ति थी, अब वो उनसे कैसे छीनी जाए, वो कैसे गरीबों में बांटी जाए, क्योंकि संपत्ति का अधिकार तो ऑलरेडी उनकी सुरक्षा करता है, अगर उनकी संपत्ति छीनोगे तो सीधे कोर्ट में जाएंगे, न्यायालय में शरण लेंगे वो, ये तो मैंने बताया इनमें कि अधिकार जो है वो न्यायिक सुरक्षा वाली बात है, कोई छीनने की कोशिश करता है, सरकार भी छीनने की कोशिश करती है तो नागरिक कहां जाएगा, न्यायालय की शरण लेगा, तो इसलिए वो बाधा थी सबसे बड़ी। और उनको मूल अधिकारों की सूची से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो वर्तमान में कितने अधिकार रह गए, 6 अधिकार रह गए। और अधिकारों के संबंध में संविधान में कुल 23 अनुच्छेद हैं, कितने अनुच्छेद हैं, 23, इन्हीं जिनमें केवल अधिकारों की बात है, वो 23 अनुच्छेद हैं जिनमें केवल बस नागरिकों के अधिकारों के बारे में बताया गया है। और इसी तरह से वर्तमान में जो 6 श्रेणियों में जो है अधिकारों को बांटा गया है, नागरिकों को गारंटी भी प्रदान की गई है,
अब उनका हम विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। जैसे पहला अधिकार समानता, समानता का अधिकार, पहला अधिकार के बारे में बताओ। अगर यहां आप अनुच्छेद भी लिखना चाहेंगे तो अनुच्छेद 14 से 18 में इस समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? समानता के अधिकार का, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब मैं बात कर लेता हूं कि भाई अनुच्छेद जो 14 है इसमें क्या है। अनुच्छेद 14 में राज्य सभी नागरिकों, राज्य सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना जाएगा। यानी राज्य क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों को कानून के समक्ष क्या माना जाएगा? समान माना जाएगा। उसमें किसी प्रकार का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको जो है समान माना जाएगा। कानून का समान संरक्षण, कानून के समक्ष सब समान है और कानून का सबके ऊपर समान संरक्षण की भी बात कही गई है। और क्योंकि बताया गया है कि कानून के समक्ष सभी समान है, कानून के समक्ष सभी समान, कानून के समक्ष सभी समान, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया कि सबको कानून के समक्ष समान समझा जाएगा, कानून का समान संरक्षण होगा या सबको कानून का समान संरक्षण मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारे संविधान के द्वारा कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। उसमें किसी प्रकार का ये नहीं है कि ये अमीर व्यक्ति है इसको कुछ विशेष इसके लिए कुछ कानून है, ये गरीब है इसके लिए कुछ विशेष कानून बना दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कानून के समक्ष क्या है? सभी व्यक्ति समान है। तो आर्टिकल जो 14 है, आर्टिकल 14, ये हमें यही बताता है कि कानून के समक्ष सभी समान है और कानून का सब पर समान संरक्षण है। क्यों? क्योंकि कानून के समक्ष सभी क्या है? समान है। अब मैं बात कर लूं, यहां अनुच्छेद 14 था, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में क्या है कि राज्य में या राज्य को यह आदेश दिया गया है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। देखिए अनुच्छेद 15, कोई भी व्यक्ति है उसका धर्म क्या है? धर्म, वंश, ठीक है। इसमें बताया गया कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, धर्म, वंश, जाति, लिंग या क्षेत्र भी इसमें लिख सकते हैं, वर्ण भी इसमें लिख सकते हैं, इनके आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी वंश से हो, किसी भी जाति से हो, स्त्री हो या पुरुष हो, श्वेत हो या अश्वेत हो, किसी भी क्षेत्र का हो, सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा, सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाएगा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो समझना ही होगा आर्टिकल 14 यानी 14 है, इसमें तो कानून की बात आई है, कानून के समक्ष सभी समान है, कानून का समान संरक्षण है क्योंकि सब व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। अब बात आती है अनुच्छेद 15 में, इसमें क्योंकि ऐसे याद नहीं रहते, आप ऐसे मौके के लिए इनको याद करोगे फिर भूल जाओगे 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में इस तरीके से क्या है। तो इनके समझने के लिए मोस्टली ये ध्यान रखना होगा, हाँ अनुच्छेद 14 में हमने पढ़ा था कानून की बात थी कि भाई कानून के समक्ष सब समान है और कानून का समान संरक्षण है। अब 15 में क्या पढ़ा हमने
तो 15 में आपको ध्यान करना होगा, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब भेदभाव किसमें नहीं होना चाहिए भाई? चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वंश का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, श्वेत हो या अश्वेत हो, किसी भी क्षेत्र का हो। तो इसमें यह था कि किसी के साथ इन आधारों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किसमें था? अनुच्छेद 15 में था। अब मैं बात कर लूं यहां, ये तो अनुच्छेद 15 की बात आ गई, अब मैं 16 अनुच्छेद 16 की मैं बात करूं यहां कि भाई अनुच्छेद 16 में क्या है। अब अनुच्छेद 16 की बात कर लें, क्योंकि तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी आधार पर जो है भेदभाव नहीं किया जाए, ये जो लिख रखे हैं। अब अनुच्छेद 16 देखिए, अनुच्छेद 16 में यह बताया गया है कि देश के सभी नागरिकों को राज्य के जो अधीन सरकारी नौकरी है, देश के सभी नागरिकों को राज्य के अधीन जो सरकारी नौकरी है उसमें समान अवसर प्रदान करने की गारंटी प्रदान की गई है। कि जो भी सरकारी नौकरी है, आर्टिकल 16 यानी 16 ये बताता है कि सरकारी नौकरियों में भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान अवसर प्राप्त करने की गारंटी प्रदान की गई है कि सब व्यक्ति समान रूप से जो है उसमें भाग ले सकते हैं, समान रूप से जो है अवसर दिया गया है। तो आर्टिकल 16 में आएगा सरकारी सेवाओं या सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, कि सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर दिए गए हैं बिना किसी भेदभाव के, ये अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 16 में भी ध्यान आना चाहिए, हाँ सरकारी नौकरियों में समान अवसर देने की बात इसमें कही गई है बिना किसी भेदभाव के। अब उसके बाद में बात कर लेते हैं अनुच्छेद 17 कि अनुच्छेद 17 में क्या है। देखिए अनुच्छेद 17 में सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए संविधान में, समाज में समानता स्थापित हो इसलिए संविधान में ऐसे प्रेष्यता यानी छुआछूत, क्या छुआछूत का निषेध किया गया है, छुआछूत का क्या किया गया है, निषेध किया गया है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य व्यक्ति को उसकी जाति के कारण अछूत माने जाने के अमानवीय आचरण को समाप्त करना है। जैसे विद्यार्थी आप सुनते हो कई बार ऐसे कोई दलित व्यक्ति है, उस दलित व्यक्ति को कोई भी जाति सूचक शब्द कहता है, उसको एक प्रकार से लज्जित करने के लिए ऐसा बोलता है, तो उसके लिए अनुच्छेद 17 में ये व्यवस्था दी गई है कि भाई संविधान जो है इसका निषेध करता है ऐसे प्रेष्यता का, छुआछूत का। तो कोई भी व्यक्ति है किसी को भी जो है अपमानजनक जाति सूचक शब्द जो है वो नहीं कह सकता है, तो ये व्यवस्था करता है आर्टिकल 17। ऐसे प्रेष्यता का क्या किया गया है, निषेध किया, निषेध कि कोई भी किसी व्यक्ति को जाति यानी अपमानजनक जाति सूचक शब्द नहीं कहेगा, तो ये जो है आर्टिकल 17 है। तो इसको भी सबसे मेन याद करने का ये है कि भाई आर्टिकल 17 में यही था कि जाति सूचक वाली बात थी भाई, कि कोई भी व्यक्ति किसी को जो है ऐसे जाति सूचक शब्दों से जो है नहीं पुकारेगा वरना उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है क्योंकि संविधान रक्षा करता है हितों की। तो ये आ गया आर्टिकल 17। उसके बाद मैं बात कर लूं यहां अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 देखिए, अनुच्छेद 18 में संविधान में
सेना तथा विद्या संबंधित, संविधान में सेना तथा शिक्षा संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की उपाधि दिया जाना प्रतिबंधित है। भारत का नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई विदेशी उपाधि भी ग्रहण नहीं कर सकता है। तो इसमें यह बताया गया है कि भाई सेना और शिक्षा से संबंधित उपाधियां तो ग्रहण कर सकता है व्यक्ति, इससे अतिरिक्त कोई उपाधियां ग्रहण नहीं करेगा, और राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी नागरिक विदेशी उपाधि भी ग्रहण नहीं करेगा। तो ये हमारा अनुच्छेद 18 बताता है कि उपाधियों की बात करता है, मोस्टली उसमें ध्यान ये रखना होगा उपाधि। अनुच्छेद 18 का नाम आते ही दिमाग में आना चाहिए उपाधियों को रोकने की बात है, केवल सेना और शिक्षा संबंधी उपाधियां जो है वो प्रदान की जा सकती हैं, बाकी पर प्रतिबंध लगाया गया है, और कोई विदेशी उपाधि भी कोई व्यक्ति ग्रहण कर रहा है तो उससे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति से उसको अनुमति लेनी पड़ेगी। समझ गए, एक बार दोबारा नहीं कर देना चाहता हूं। अनुच्छेद 14 वही कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 में क्या है, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 किसी भी प्रकार का भेदभाव, चाहे वो धर्म के आधार पर, चाहे जाति के आधार पर, चाहे वंश के आधार पर, चाहे लिंग के आधार पर, किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की बात है यह। अनुच्छेद 16 में बताया गया कि सरकारी नौकरियों में सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने की गारंटी, एक प्रकार से बात की गई है। अनुच्छेद 17 में जो है ऐसे प्रस्ताव यानी छुआछूत का निषेध किया गया है, वही जाति सूचक शब्द। अनुच्छेद 18 में उपाधियों की बात है कि सेना और शिक्षा से संबंधित उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, और कोई भी व्यक्ति विदेशी उपाधि राष्ट्रपति की अनुमति से जो है वो ग्रहण कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये था समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरे अधिकार के बारे में हम पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। इसका भी अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में इनका जो है वर्णन किया गया है। देखिए भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में व्यक्ति को 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं जो है वो प्रदान की गई है, कि जैसे मान लो भाषण की अभिव्यक्ति की, भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, भारत में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, आजीविका की स्वतंत्रता, कारोबार की स्वतंत्रता और व्यापार की स्वतंत्रता, इन ये 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं हैं। जैसे व्यक्ति जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है व्यक्ति को, भाषण को दे सकता है, इसके लिए व्यक्ति जो है स्वतंत्र है। उसके बाद में वह शांतिपूर्ण कोई भी सम्मेलन कर सकता है, शस्त्र रहित होना चाहिए, ऐसा नहीं शस्त्रों से लेस, शस्त्रों रहित होना चाहिए, हम हथियार वहां नहीं होने चाहिए, हथियारों सहित नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है हम जो है इसके साथ ही यानी शस्त्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता है। उसके बाद में अब भारत में कहीं भी आना जाना हो, निर्बाध भ्रमण किया स्वतंत्रता है, हम देश में किसी भी कोने में कहीं भी जा सकते हैं। उसके लिए कोई ये नहीं है कि हरियाणा के व्यक्ति राजस्थान में क्यों आ गया, राजस्थान के व्यक्ति जो है वो पश्चिम बंगाल में क्यों चला गया, इस प्रकार की कोई जो है वो रोक नहीं है। तो ये भी हमें जो है स्वतंत्रता प्रदान है। उसके बाद मैं बात कर लूं आजीविका,
व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए कोई भी काम कर सकता है, उसके लिए भी उसको रोक नहीं है। कोई भी काम का मतलब ये नहीं होता है कोई अवैध काम जो है वो लीगल नहीं, उसकी छूट नहीं है, वो उसकी स्वतंत्रता नहीं है। यानी अपनी आजीविका के लिए जो भी वैध काम है वो व्यक्ति कर सकता है और उसके बारे में बताया। कोई भी कारोबार कर सकता है, व्यापार कर सकता है व्यक्ति। ये 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्रदान की गई है। कौन से अधिकार में? स्वतंत्रता के अधिकार। अब मैं यहां बात करूं, एक इसी में आता है निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी अब निवारक नजरबंदी जो है ये क्या होता है? इसका आशय ये है कि बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के नजरबंदी यानी गिरफ्तारी से है। इसका आशय निवारक नजरबंदी का आशय क्या है? बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के किसी व्यक्ति को नजरबंद कर लेना, यानी उसको गिरफ्तार कर लेना, उससे है। अब बात ये आती है कि ये अपराधी को दंड देने के लिए नहीं, अपराधी को दंडित करने के लिए नहीं है, अपितु अपराध को रोकने की प्रक्रिया है। निवारक नजरबंदी क्या है? ये दंड देने की प्रक्रिया नहीं है। कोई भी अपराधी है उसके अपराध को रोकने की प्रक्रिया है कि वो कोई अपराध नहीं कर सके। बिना इसमें देखो, कोई भी व्यक्ति है वो 3 महीने से अधिक जो है उसको निवारक नजरबंदी के तहत नजरबंद नहीं रख सकते बिना न्यायाधीश की अनुमति के। जैसे मान लो, उसमें मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देना चाहूंगा निवारक नजरबंदी के बारे में कि इसमें आशंका के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, नजरबंद किया जाता है कि ये व्यक्ति है ये सामाजिक स्वार्थ को बिगाड़ सकता है। ये व्यक्ति वहां सभा में जाएगा या ये व्यक्ति इस तरीके का कार्य कर रहा है जिससे सामाजिक जो स्वार्थ है, भाईचारे की भावना है, उसको ठेस पहुंच सकती है, लोगों को भड़का सकता है, देशद्रोही भी कोई गतिविधि कर सकता है, भीड़ को उकसा सकता है, हिंसा के लिए प्रेरित कर सकता है। तो ऐसी आशंका किसी व्यक्ति के प्रति होती है तो उसको पहले जो है नजरबंद कर दिया जाता है कि वो अपराध हो ही नहीं, इस प्रकार से वो हिंसा हो ही नहीं, वो इस तरीके से सामाजिक स्वार्थ को, हमारी भाईचारे की भावना को बिगाड़ ही ना सके, इसके लिए जो है उसको क्या किया जाता है? नजरबंद किया जाता है यानी गिरफ्तार किया जाता है। और निवारक नजरबंदी के तहत भी 3 महीने का समय होता है, 3 महीने तक ही उसको नजरबंद यानी गिरफ्तार आप रख सकते हो। वो उसके बाद जो है न्यायाधीश से अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है? न्यायाधीश की अनुमति के बिना आप ऐसा आगे नहीं कर सकते। तो ये बीच में आ गया था निवारक नजरबंदी का। अब मैं बात कर लूं यहां तीसरा जो अधिकार है, शोषण के रूप अधिकार। अनुच्छेद 23 देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में जो है वो व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन या संस्था वो शोषण ना कर सके। देखिए, बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 23 24 के द्वारा देश के सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान कर शोषण संबंधित सभी स्थितियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया है कि किसी भी नागरिक का शोषण नहीं हो सके, उसको समाप्त करने का प्रयास इन अनुच्छेदों के द्वारा किया गया है कि भाई किसी का भी जो है शोषण नहीं हो सके। तो तीसरा जो अधिकार था वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में, और इसमें क्या था कि
किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं हो सके। तो शोषण को रोकने संबंधित जो है ये आर्टिकल के तहत जो ऐसा कार्य किया जाता है। उसके बाद में चौथा जो अधिकार है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में उल्लेख किया गया है। देखिए अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक मामलों में क्या प्रदान की गई है, स्वतंत्रता प्रदान